today I will discuss about the solid state classification. So solid state generally classified into category. First one is crystalline solid and second one is amorphous solid. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जबकि इनके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों सेम, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए आपको एग्जांपल याद रखना है मार्बल, और अमोर्फस सॉलिड के लिए आपको एग्जांपल याद रखना है चौक, ठीक है। तो जो हमारा मार्बल होता है, तो मार्बल के अंदर क्या होता है, जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो क्या होता है लॉन्ग रेंज के अंदर अंदर होता है, और जबकि अमोर्फस के अंदर क्या होता है शॉर्ट रेंज में वो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरेंजमेंट हम कैसे शो कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये रेड पार्टिकल है, फिर हमारा ब्लैक पार्टिकल है, इस तरीके से रेड पार्टिकल है, ब्लैक पार्टिकल है, फिर ये भी रेड पार्टिकल है, और ये हमारा फिर से ब्लैक पार्टिकल है, ठीक है। अगेन जो सेंटर में हम यहाँ पे क्या करें, इसके सेम नीचे की साइड में जो सेंटर है हमारा, ये ब्लैक पार्टिकल, रेड पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल, रेड पार्टिकल, और ये फिर हमारा ब्लैक पार्टिकल और फिर रेड पार्टिकल, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा अरेंजमेंट है, यानी ये जो हमारा अरेंजमेंट होगा, ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू का मतलब लोअर रेंज में आपका अरेंजमेंट होगा, और ये इस तरीके से आपका कंटिन्यू अरेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा अरेंजमेंट है, ये क्या है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट, यानी डिसिप्लिन अरेंजमेंट होगा हमारा, लेकिन इसके अंदर डिसिप्लिन अरेंजमेंट नहीं होता है। इसके अंदर अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है हमारे पास कि कुछ लिमिट तक तो ये आपको ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जैसे हमारा अरेंजमेंट है इस तरीके से, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो जाता है कि कुछ पार्टिकल हमारे ऐसे होते हैं, फिर डिसकंटिन्यू होने के बाद अगेन ये फिर कंटिन्यू करता है, और फिर डिसकंटिन्यू आपका हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी इसके बीच में जो हमारा गैप है, ये गैप हमारा इस गैप की वजह से क्या होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए चोक को आसानी से आप तोड़ सकते हैं, जबकि मार्बल को आसानी से आप नहीं तोड़ सकते हैं। उसका रीजन ये है कि इनके पार्टिकल के बीच में हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अमोर्फस यानी चोक आप का जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का ऐसा होगा, इसलिए चोक को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका सेकंड जो नाम होता है वो क्या है, ट्रू सॉलिड्स भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन अमोर्फस सॉलिड का जो हम बोलते हैं शैडो सॉलिड, यानी सुपर कोल्ड सॉलिड है लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड का एग्जांपल आपको याद रखना है जैसे ग्लास, तो ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए सपोज करो आप सॉलिड कोई भी सब्सटेंस आपने लिया, और वो उसका जब आप लैब के अंदर मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, तो जो उसका एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई रेंज वगैरह में नहीं होगा, हमेशा फिक्स एक रेंज होगा जो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपका रेंज के अंदर होगा। सपोज करो आपके पास पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन को जैसे ही आप गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद आप उसको बना पाते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो आपने कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पॉलीथीन को हीट किया, हीट करने के बाद सबसे पहले क्या होगा, पॉलीथीन नरम होगा या प्लास्टिक आपकी नरम होगी। प्लास्टिक जैसी नरम होगी तो वो उसका जो टेम्परेचर होगा स्टार्टिंग टेम्परेचर सपोज करो इतना है, लेकिन अगर वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो लिक्विड में जब कभी भी कन्वर्ट होगी तो सपोज करो उसका जो टेम्परेचर है वो आपका 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यानी सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए आपको इतने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी है, और ये आपका जो टेम्परेचर की रेंज है ये आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है अमोर्फस सॉलिड का, ठीक है। तो ये एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये एक जस्ट है एग्जाम्पल के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मान लो सपोज करो कोई फिक्स है, फिक्स लाइक 120 डिग्री सेल्सियस, तो आपका फिक्स ही रहेगा जब आप लैब के अंदर इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो क्रिस्टलाइन का फोर्थ पॉइंट क्या है, इसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, जबकि इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मोस्टली जो क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड में वो इस जो पॉइंट आपका फोर्थ है, इससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, और
इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। आइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, यानी डिफरेंट जो हमारी डायरेक्शन होगी उसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मिलती है हमारी पार्टिकल्स की, ठीक है। तो सपोज करो इस पार्टिकल की डायरेक्शन हमने ये ली, ठीक है। तो फिजिक्स में जैसा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते होंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जब हम पार्टिकल को लेते हैं, तो सपोज करो ये पार्टिकल की डायरेक्शन हमने ली, तो इसके अंदर हमें, इस डायरेक्शन के अंदर हमें रेड पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल, रेड पार्टिकल, इस तरीके से अरेंज है। लेकिन सपोज करो अगर ये डायरेक्शन हम इस तरीके से लेंगे तो हमारा रेड और फिर ब्लैक फिर ब्लैक, और अगर इसको लेंगे तो हमारा क्या होगा, ब्लैक रेड और रेड, ठीक है, इस तरीके से। यानी डिफरेंट डायरेक्शन पर अगर पार्टिकल हमारे चेंज हो रहे हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, इस पॉइंट का केवल इतना नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आइसोट्रोपिक नेचर होगी। आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से आप पार्टिकल को जब कंसीडर करोगे तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा सेम होगी, ठीक है। इसके अंदर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जैसे हमारे यहाँ पे भी IIT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे ये AN जो वर्ड आपका लगा हुआ है, AN, इस AN का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग जो हमारा अक्षर है वो हमारा A है, तो इसके बेस पर हमारा क्या करते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कैपिटल A है, N आइसोट्रोपिक है, तो वो मोस्टली ऑप्शन क्लिक करते हैं अमोर्फस सॉलिड, जो कि आपका रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है, कि आपको तुक्का मारना है तो वो भी अच्छी तरीके से करना है, तो ये आपका नहीं चलेगा, क्योंकि ये 100% आपका रॉन्ग आंसर होगा। आपको याद रखना है N आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या होगा, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, ZnS, CF2, इनकी जो आपकी शेप बनती है, किस तरीके से शेप बनती है, ये हम जो है नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। और अमोर्फस सॉलिड का आपका सिंपल सा एग्जांपल है रबर, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो क्राइटेरिया बने हुए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं, अमोर्फस सॉलिड के, इनकी डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज है वो वन बाई वन मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और इनके आपको अच्छी तरीके से नोट्स बना लेने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द स्टूडेंट्स बी रिमेंबर डे बाई डे दिस पॉइंट्स, एंड ऑल द बेस्ट।